सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः 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 सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नोऽभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 स्वागत है महान लक्ष्मेंद्र। मैं अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए नहीं परन महान योद्धा वीर लक्ष्मेंद्र का स्वागत करने के लिए आया हूं, ताकि महान योद्धा वीर लक्ष्मेंद्र की आज्ञा मिलते ही तत्काल उसी क्षण मैं अपने राज्य का समस्त सैन्य बल इस महान योद्धा को समर्पित कर दूं। मैं जानता हूं कि मैं मेरा राज्य मेरी प्रजा एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित कर रहा हूं जो युद्ध अबाध यश के लिए नहीं कर रहा पर अम्फिस, वीर अलेक्जेंडर आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए नहीं वरन इस महान योद्धा वीर लक्ष्मेंद्र का स्वागत करने के लिए आया, ताकि महान योद्धा वीर लक्ष्मेंद्र की आज्ञा मिलते ही तत्काल उसी क्षण मैं अपने राज्य का समस्त सैन्य बल इस महान योद्धा को समर्पित कर दूं। I have come here with my troops, not to fight with great warrior Alexander, but to set my state and my armed forces at his disposal at his first utterance. यदि तुम हमें अन्न व जल से वंचित करने नहीं आए हो तो हमारे बीच द्वंद्व संभव ही नहीं, क्योंकि इन्हीं दो आवश्यक वस्तुओं के कारण किसी बुद्धिमान व्यक्ति से युद्ध की अपेक्षा हो सकती है। जहां तक धन का प्रश्न है,
यदि मैं तुमसे अधिक धन संपन्न हूं तो तुम्हारे साथ अपनी वस्तुओं को बांट लेने में मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है। Why should we two Alexander fight with one another? If you have come to take away from us neither our water nor our necessary food, the only things about which sensible men ever care to quarrel and fight as for anything else, call it money or call it property. If I am richer than you, what I have is at your service. But if I have less than you, I would not object to stand debtor to your bounty. Perhaps you think from the friendly greetings we exchanged, our intercourse will be without a contest. But there you're mistaken. For I will war to the knife with you and see to it that you do not overcome me in generosity. यदि आप सोच रहे हैं कि मित्रवत अभिवादन से हमारा वार्तालाप बिना किसी विवाद के समाप्त हो जाएगा तो यह आपकी भूल है, क्योंकि सद्भावपूर्ण व्यवहार में भी मैं तुम्हारा कम प्रतिद्वंद्वी रहूंगा और उदारता में भी तुम्हें अपने से आगे नहीं निकलने दूंगा। तुम महान हो लक्ष्येंद्र, महान हो। राजकुमारी, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ आप अपने कक्ष में वापस चली जाएं। आपको राजप्रसाद से बाहर न निकलने देने की महाराज आम्बे की आज्ञा है। तुम आम्बे की आज्ञा का पालन करो, मैं वही करूँगी जो मेरा मन चाहता है। राजकुमारी, हट जाओ मेरे मार्ग से द्वारपाल, हट जाओ। मेरी मातृभूमि, मैं तेरे काम ना आ सकी। क्षमा करना पिता, मैं कुल के गौरव की रक्षा ना कर सकी। नगर में नहीं जाएगा चंद्रगुप्त, बैठ। आचार्य के लौटने तक तेरे जीवित रहने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुम सब कायर हो,
वीरता अब इस चुनौती को स्वीकार करने में है चंद्रगुप्त, जानबूझकर मरने में नहीं। अपने जीवन पर मेरा अधिकार है, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरा मार्ग रोकेगा? नहीं, मेरा मार्ग रोक, मुझे नगर में जाने से रोकेगा? मुझे नगर में जाने से रोके? तुझे नहीं जाने दूंगा। चंद्रगुप्त, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? छोड़ो मुझे, जाने मत देना नारायण। मुझसे वीरता की बातें करता है, छोड़ो। तू नहीं जाएगा चंद्रगुप्त, आज तू नहीं रहेगा, आज तू नहीं रहेगा। रोक मुझे, आज तू कुछ कर बैठेगा। चंद्रगुप्त, तू चंद्रगुप्त नहीं रहेगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ क्यों जोड़ता है? वीर है ना तू, हाथ जोड़। मार मुझे चंद्रगुप्त। मैं मारूंगा तो तुझे बुरा लगेगा चंद्रगुप्त। नहीं चंद्रगुप्त, तू मारेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चंद्रगुप्त मार। आचार्य को जब ये पता चलेगा उन्हें बहुत दुख होगा। चल वापस। कायर है तू चंद्रगुप्त, जाना चाहता है ना तू? जा, देखता हूँ कैसे जाएगा। अलक्षेन से लड़ने का मन है ना तेरा? बोल, पहले मुझसे लड़। उन हत्यारों के बीच में जाना चाहता है तू? पहले मुझसे निपट। आज हत्या ही का मन है तो उन यवनों के हाथों क्यों मरना चाहता है? नगर जाएगा, अलक्षेन की सुरक्षा को भेजने का प्रयास करेगा। क्यों, अच्छा लग रहा है ना तुझे? बोल, अच्छा लग रहा है ना? क्यों? हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अलक्षेन के विरुद्ध कुछ न कर पाने का दंड तो मिलना चाहिए ना? तू मारता है तो सुख मिलता है, लगता है यही दंड है। मैं आमी की तरह अलक्षेन का स्वागत तो नहीं कर सकता, मर सकता हूं, पर उससे भी तुम मुझे रोक रहे हो। आचार्य होते तो वो भी हमें कुछ न करने का दंड अवश्य देते। मार अक्षय, अच्छा लग रहा है। मार। चल साथ साथ चलते। कोई व्यथा आचार्य? मन पर गहरी चोट लगी है निपुणक, लगता है हमें बहुत देर हो गई है। मन मानने को तैयार नहीं कि तक्षशिला में सब कुशल है। सब ठीक ही होगा आचार्य, आपके सुर प्रस्थान करना है आचार्य। नियति जहां ले जाए। Thank you.
आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन तन से मन से तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन करें राष्ट्र आराधन अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन हम करें राष्ट्र अभिवादन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन करें राष्ट्र आराधन अपने हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से अपने हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन हम करें राष्ट्र का अर्चन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन करें राष्ट्र आराधन अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन हम करें राष्ट्र का चिंतन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन करें राष्ट्र आराधन है याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं हमने अभिषेक किया था जननी का परिशोणित से हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन तन से तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन Thank you.
कलोनस कल्याण हो। कलोनस, तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा सुन, महान यवन राज अलक्षेंद्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। महान अलक्षेंद्र, तुम्हारे साथ हुए वार्तालाप को सुनना चाहेंगे, इसलिए तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारे उपदेश को सुनने के लिए तैयार हूँ। पहले ये धरा अन्न कणों से पूर्ण थी, ठीक वैसे ही जैसे आज ये धरा धूल कणों से परिपूर्ण है। निर्जर, नीर, क्षीर, मधु, मदिरा व तेल के साथ प्रवाहित होता था, पर तृष्णा व वैभव विलास ने मानव को उन्मत्त व अहंकारी बना दिया, और तब ईश्वर ने यह सब नष्ट कर दिया और मानव को कठोर जीवन यापन करने का दंड दिया। जब नैतिक सुदृढ़ता व आचार में नियंत्रण का पुनरागमन हुआ, तब श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन वर्तमान में मानव तृष्णा और विषय के पीछे भाग रहा है, इसलिए डर का कारण है, वरना मानव की ये दशा नहीं होती। अलक्षेंद्र ने भेजा है। उपदेश सुनने भेजा है। तो छोड़ दे ये सब, उतार कर रख दे तेरा वेश और निर्वस्त्र होकर लेट जा इस पाषाण शिला पर। जड़ हो जा, चेतना भीतर जागेगी। क्यों, लज्जा आ रही है ना? जिनके मन में विषय जागृत होता है, जीवित होता है, उन्हें ही जगत में लैंगिकता का बोध रहता है। सत्य जानना चाहता है तो भूल जा, विषय वासना तृष्णा सब भूल जा, मेरा उपदेश सुनना है तो आ, लेट जा इस पाषाण शिला पर और मेरी तरह बंधनों से मुक्त हो जा। क्यों, सत्य को नहीं जानना चाहता, स्वयं को आवरणों से मुक्त नहीं करना चाहता? कल्याण, तुम उद्धत हो रहे हो, उन्हीं दुर्गुणों के वश में हो रहे हो जिनकी तुम भर्त्सना करते हो। ज्ञान की चर्चा करने अलक्षेंद्र ने भेजा है। अनेकों झूठ को मन में छिपाए ये और अलक्षेंद्र सत्य जानना चाहते हैं। वस्त्रों से, वचनों से विषय को, वासना को छुपाओगे, सत्य तो नहीं छिपेगा, वो तो सामने आएगा। ये उद्दंड है, यवन योद्धा तुम मेरे साथ आओ। सत्य की उपासना कर, सुख की उपासना छोड़, तो ही सत्य को पाएगा। वही श्रेष्ठ है जो मन को सुख व दुख से मुक्त कर सके। क्या श्रम दुख है? नहीं, श्रम दुख से भिन्न है। श्रम व्यक्ति का साथी है, साथी है, उसी के द्वारा वह बुद्धि का विकास कर सकता है। बुद्धि का विकास ही बुद्धि में शुचिता उत्पन्न कर सकता है, और शुद्ध बुद्धि समस्त कलहों का अंत ला सकती है। शुद्ध बुद्धि ही लोगों को मार्ग दिखा सकती है। आप यहां वनों में क्यों रहते हैं? श्रेष्ठ आवास वही है
जिसे कम से कम मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। देवपुत्र लक्ष्मेंद्र चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, वो आप जैसे तपस्वी उनके साथ रहें। यदि अलक्षेंद्र देवपुत्र हैं, तो मैं भी देवपुत्र हूँ। पर आपको महान अलक्षेंद्र से मिलने में क्या आपत्ति है? यदि अलक्षेंद्र को कोई आपत्ति न हो तो वे यहाँ आकर रह सकते हैं। आप अलक्षेंद्र को इनकार कर रहे हैं? यवन योद्धा, अलक्षेंद्र से कहना, अलक्षेंद्र से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मेरे पास जो भी कुछ है उसे मैं संतुष्ट हूँ। मैं देख रहा हूँ अलक्षेंद्र और उसके साथी पृथ्वी और समुद्र पर व्यर्थ ही घूम रहे हैं। अलक्षेंद्र के अधिकार की किसी वस्तु की भी मुझे अभिलाषा नहीं है, और ना मुझे डर है अलक्षेंद्र मुझसे कुछ छीन सकता है। मैं जानता हूं जब तक जीवित रहूंगा यह भारत की भूमि मेरा पालन करेगी। ऋतु आने पर वृक्ष फल देंगे ही, और जब मृत्यु आएगी तब इस अयोग्य साथी को छोड़कर चला जाऊंगा। जनीस, महान योद्धा अलक्षेंद्र तुमसे मिलने आए हैं, उनका स्वागत करो। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं डायजनीस? विजेता अलक्षेंद्र तुमसे मिलने आए हैं, उनका सम्मान करो। अलक्षेंद्र की अवहेलना करने वालों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है डायजनीस। डायजनीस, अलेक्जेंडर अपनी अधिकार की हर वस्तु तुम्हारे सामने रख देगा, पर तुम अलेक्जेंडर का स्वागत करो। वचन देते हो? वचन देता हूं। तो मेरे शरीर पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों के मार्ग से हट जाओ अलक्षेंद्र। क्या हुआ ना सेक्रेटिस? तपस्वी सभी जहां एक जैसे हुआ करते हैं, कहीं वो डायजनीस है, कहीं वो तांड्यायन है। वेलकम अम्फिस। कल्याण ऋषि। कैलोनस द एसेटिक। ऋषि दांड्यायन के ही शिष्य हैं, किसी प्रकार मैं इन्हें यहां ले आया। एसेटिक कैलोनस इज द डिसाइपल ऑफ एसेटिक डांडामिस। आई हैव ब्रॉट हिम हियर समहाउ। ठीक कहते थे ऋषि दांड्यायन, व्यर्थ ही घूम रहा है तू धरती पर, भटक गया है तू। एसेटिक डांडामिस वॉज राइट, यू आर वॉन्डरिंग ऑन द अर्थ इन वेन, यू विल बी नो वेयर। कैलोनस, आई एम अ वॉरियर ऑन माई वे टू कॉन्कर द वर्ल्ड। मैं एक योद्धा हूं और विश्व विजय के लिए निकला हूं। विश्व विजय? जानता है तू कहां है? तू अंत तेरा निकट है। अलक्षेंद्र, देख तेरे साम्राज्य की स्थिति, और तू भी देख क्या हुआ। दूसरा छोर ऊपर हो गया, और अब फिर वही हुआ। देख तो सकता है तू, पर सोच नहीं सकता। एक छोर पर दबाव डालता हूं तो दूसरा छोर सिर उठाता है,
एक छोर को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं तो दूसरा छोर अनियंत्रित हो जाता है। यही होगी तेरे साम्राज्य की स्थिति, यही होगा तेरे साम्राज्य में अलक्षेंद्र। इसे नियंत्रित करने के लिए तो बीच में खड़ा रहना पड़ेगा। पर कहां है तू, किस भ्रम में है तू, संभाल पाएगा इसे तू? निर्जीव चर्म का ये स्वभाव है तो सजीव सदेह क्या तेरा नियंत्रण स्वीकार करेंगे? विश्व विजय की कामना से निकला है तू, पर स्वयं से पराजित हो रहा है एक इच्छा से। विजय की इच्छा से तो पराजित है तू, और विश्व विजेता होने के लिए निकला है। कामना पर विजय पा, उसी से तेरी जय होगी। कलंस, कल्याण हो तेरा अलक्षेंद्र। सभा में उपस्थित किया जाए। महान योद्धा अलक्षेंद्र का दूत आपको प्रणाम करता है पोरस। आयुष्मान भव। वीर अलक्षेंद्र ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप उनकी सेवा में उपस्थित हो एवं वीर अलक्षेंद्र से भेंट करने के लिए आपकी ही सीमा पर उपस्थित हो। दूत, अलक्षेंद्र से कहना कि पर्वतेश्वर अपनी सीमा पर अलक्षेंद्र का स्वागत करने निश्चय ही आएगा, पर अलक्षेंद्र अपने हथियार अवश्य लेते आए ताकि उन्हें यह कहने का अवसर न मिले कि भारत में उनका वीरोचित स्वागत नहीं हुआ। तुम जा सकते हो दूत। सेनापति व्याघ्रपत, सेना को युद्ध के लिए सज्ज होने का आदेश दिया जाए। जो आज्ञा दे। आप सभी लोग एक पहर पश्चात मंत्रणा कक्ष में उपस्थित हो। जो आज्ञा दे। इंद्रदत्त, मुझसे कोई
चूक तो नहीं हो गई इंद्रदत्त? चूक हो चुकी है केकेराज। उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घन आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुष्यं बलिहृत श्याम यो नो द्वेषत पृथ्वी सह पृतन्यागयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्वकृत् त्वरी उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवी प्रसूताः दीर्घन आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुष्यं बलिहृत श्याम यो नो द्वेषत पृथिवी सह पृतन्यागयोभिदासान् मनसा यो वधेन तन्नो भूमेरन्धय पूर्वकृत् त्वरी उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवी प्रसूताः दीर्घन आयुः प्रतिबुध्यमा।